हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक जो कि सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें हम लोग बर्नर ट्यूब देखेंगे जो कि प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज इसलिए यूज करते हैं हम, प्रेशर गेज प्रेशर मेजरमेंट में हमारे यूज होता है, जो कि हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं प्रेशर को भी। एक लो लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। तो हम यहाँ पर जो प्रीवियसली जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने देखा था कि यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में हमने पढ़ाई किया था। उस यूट्यूब मैनोमीटर से हम यहाँ पर लो लेवल का जो प्रेशर होता है उसे कैलकुलेट किए थे। अब देखते हैं हम मीडियम लेवल और हाई लेवल का जो प्रेशर होता है उसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको बर्नर ट्यूब के बारे में समझना है। बर्नर ट्यूब एक्चुअली होती ये चीज़ है कि एक हमारे पास एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम प्रेशर का मेजरमेंट लेते हैं। अब प्रेशर किसका मेजरमेंट होगा, या तो वो फ्लूइड होगा मतलब या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा। तो अगर इस टाइप का अगर कोई हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स है जिसका प्रेशर हमारा लिक्विड का हो या फ्लो या मान लीजिए हमारा गैस का होगा, तो उसके प्रेशर मेजरमेंट में हमारा बर्नर ट्यूब जो होता है वो हमारा काम करता है। ये क्योंकि हमारे मीडियम एंड हाई प्रेशर के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फेस को देखते हैं और इसका फॉर्मूला किस तरीके से प्रेशर मेजरमेंट करता है वो सब चीज को हम लाइन बनाए देखते हैं। तो चलिए आइए हम प्रेशर मेजरमेंट जो कि बर्नर ट्यूब के थ्रू हम करना चाहते हैं। तो जैसे इसका नाम इसको सजेस्ट कर रहा है कि बर्नर ट्यूब, यहाँ पर एक ट्यूब होगा जिस ट्यूब के थ्रू हम इसका पूरा प्रिंसिपल को समझेंगे। तो चलिए इसका एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ जैसे कि ट्यूब कह रहा है, ट्यूब हम यहाँ पर ट्यूब को यूज करेंगे। तो इस ट्यूब के शेप में एक सर्कुलर सी शेप में हम एक ट्यूब यूज करेंगे इस तरीके से, और इसका एक एंड को हम एक फिक्स्ड करेंगे इस तरीके से जो कि फिक्स एक बॉडी में होगा। और ये जो शेप है ये हमारा शेप वो फ्री होगा, मतलब ये किसी भी चीज से अटैच नहीं होगा, ये ओनली यहाँ से फिक्स्ड है, बाकी चीजें हमारा फ्री है, फ्री बॉडी है। इसका दूसरा जो एंड होता है वो इस तरीके से यहाँ से क्लोज होता है। तो ये एंड ओपन होता है, यहाँ से एयर या लिक्विड हमारा अंदर जा सकता है। ये हॉलो एक पाइप होता है, हॉलो जैसे पाइप की तरह होता है जिसको सी शेप में बैंड किया जाता है। सी शेप में बैंड करने के बाद यहाँ पर एक हम यहाँ पर लीवर अटैच करते हैं जो इस तरीके से काम करता है। एक लीवर का मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, और यहाँ पर एक और लीवर जो कि इस शेप में होता है, तो ये इसके साथ इस तरीके से अटैच होता है। इसलिए लीवर के दूसरे एंड में हमारे पास गियर सिस्टम लगा होता है, इस तरीके से गियर इसमें बने होते हैं। ये गियर इस तरीके से बना होता है, इसके दूसरे एंड में एक छोटा लीवर टाइप का गियर होता है जो सर्कुलर गियर सिस्टम होता है। इस शेप को हम इस तरीके से बनाते हैं, इसके सेंटर से, इसके सेंटर में हम यहाँ से पॉइंटर इंडिकेटर हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये जो जितना अरेंजमेंट था हमारा ये बैक बॉडी में होता है, और बैक बॉडी के बाद हमारा ये जो इसके ऊपर हम यहाँ पर डायल लगाते हैं। तो डायल लगाने के बाद जो हमारा ये डायल है इसमें हम यहाँ पे नंबर पुट करते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर और डायल हमारा ऊपर होता है और उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा बैक बॉडी में होता है, पीछे होता है। तो जैसे हमारा घड़ी होता है, घड़ी का पूरा सिस्टम जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो पीछे होता है और उसके ऊपर डायल होता है, उसके ऊपर हमारा पॉइंटर होता है। तो उसी तरीके से ये जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो हमारा वो बैक बॉडी में होता है, और फ्रंट बॉडी में हमारे पास पॉइंटर और इंडिकेटर्स ऑनली होते हैं। इसका हम यहाँ पर अब वर्किंग फ्रेम देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो वर्किंग में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, पी प्रेशर। जैसे मान लीजिए हम गैस का अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस अप्लाई होता है हमारा यहाँ से, ये इस तरीके से इसका गैस भरता है। क्योंकि हमारा ये क्लोज पाइप है, दूसरा एंड हमारा क्लोज है, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के कारण इसका जो शेप है, जो सी शेप है, वो एक्सपांड होना शुरू होता है। तो ये एक्सपांड होने के बाद हमारे पास इसका जो शेप कुछ इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से इसका शेप नया शेप डिजाइन हो जाता है, जो कि हमारा बर्नर ट्यूब का ये शेप इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर ये शिफ्ट हो जा रहा है तो हमारा ये जो लीवर है, ये जो लीवर इसको पुल करता है, ये पुल होने के बाद ये जो लीवर है तो इस तरीके से बैंड हो जाता है, और ये हमारा
जैसे हमारा ये सी से एक्सपांड होगा तो ये लीवर हमारा ब्लू के ऊपर चला जाएगा, तो होने से हमारा ये जो सिस्टम है जो कि हमारे घूमने वाले जा रहे हैं सिस्टम उस तरीके से घूमेगा। इसके घूमने से क्योंकि ये हमारा जो गियर है इस तरह घूम रहा है, हमारा ये गियर इस तरीके से घूमेगा। तो ये जस्ट लाइक गियर सिस्टम होते हैं जो मैकेनिकली वो जो है क्लॉक वाइज घूमता है, दूसरा गियर एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, उस प्रिंसिपल से हमारा ये सिस्टम घूमना शुरू करेगा। इसके घूमने से हमारा जो पॉइंटर है वो इस तरीके से मूव करेगा। तो हम पॉइंटर में इंडिकेटर्स बनाए होते हैं, वो इंडिकेटर्स हमको ये शो करता है कि पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करने से पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंटर किसी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और जिस भी पोजीशन को इंडिकेट करेगा हम वहाँ पर उसके लिए यूनिट्स प्लेस कर देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो अप्लाइड प्रेशर है वो कितना किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे जैसे कि आप देखे होंगे जो आमतौर पर जैसे पंचर दुकान या फिर पेट्रोल पंप में जब हम गैस या हवा भरते हैं तो हवा भरने पर हमको एक इंडिकेटर से शो करता है कई डायल जो एनालॉग टाइप है, क्योंकि एनालॉग सिस्टम है तो एनालॉग टाइप का एक डायल मीटर्स वाला सिस्टम प्रेशर गैस से हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है, उसके अंदर का बैक का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिकली हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किस किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा मटेरियल किस चीज से बनता है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड बॉडी जो है हमारा, ये बॉडी हमारा मेटल का होता है, सॉलिड मेटल का होता है, फिक्स रखने के लिए, बॉडी को फिक्स रखने के लिए। फिर उसके बाद ये जो हमारा सी शेप में जो ट्यूब जो बना हुआ है, ये ट्यूब हमारा या तो ऐसे मटेरियल से बनता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए ताकि कि हमारा जो प्रेशर देने के बाद जब ये हमारा एक्सपांड होते हुए आगे बढ़ेगा और जब हम प्रेशर रिलीज करेंगे या प्रेशर को हटा देंगे तब हमारा ये जो सी शेप का जो बॉडी था वो न्यूट्रल जो जिस पोजिशन में पहले था वहाँ वापस आना चाहिए। तो हम उतना ही प्रेशर इसमें अप्लाई करते हैं जितना इसकी इलास्टिसिटी होती है। तो हम इस प्रेशर गेज का प्रॉपर्टी को हम इसके ट्यूब से मेजर करते हैं, इसके ट्यूब में इलास्टिसिटी कितनी है, उसी बेसिस पे हम इसका प्रेशर गेज को बनाते हैं कि कितने प्रेशर तक ये प्रेशर गेज मेजरमेंट ले सकता है। तो इस यहाँ इसका ट्यूब का ये मटेरियल जैसा कि एल्यूमिनियम या फिर हमारा कॉपर जो होता है उस तरीके के मटेरियल से बनाते हैं जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। आगे देखते हैं हमारा जो ये गियर अरेंजमेंट सिस्टम है, ये गियर अरेंजमेंट सिस्टम हमारा मेटल का होता है, ये सॉलिड मेटल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है या आयरन का हो सकता है। इस तरीके के कुछ भी मटेरियल से जिसमें गियर ज़्यादा जिसकी लाइफ होगी हम उस मटेरियल से इसका मेंबर। तो ये हमारा गियर सिस्टम मेटल सॉलिड मेटल से बनाया जाता है। ये जो पॉइंटर होते हैं पॉइंटर्स को हम बहुत लाइट मेटल का बनाते हैं, लाइट मेटल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो है अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो इसमें फ्रिक्शन का लॉस होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस गियर्स को चलाने में जो मैकेनिकल अरेंजमेंट को शिफ्ट करने में जितने फ्रिक्शन होते हैं प्लस ये इंडिकेटर जो पॉइंटर है जिस पॉइंटर को मूव करने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो उसमें एनर्जी कम से कम हो इसके लिए हम पॉइंटर को लाइट वेट का बनाते हैं। लाइट वेट बनाने से हमारा पॉइंटर बहुत इजीली मूव कर पाता है। तो उस इस तरीके से हमारा ये पूरा मटेरियल के बारे में, उसके बाद डायल का, डायल हमारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो फाइनल का हो सकता है या वो मेटल का हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे बटन ट्यूब का डिजाइन करते हैं। अब चलिए इसका मैकेनिकल ट्यूब में से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो सी शेप में जो हमारा मटेरियल है वो उसके लिए किस तरीके से काम करेगा और कितना प्रेशर वो किस तरीके से अप्लाई होगा ताकि हम उसके प्रेशर डिफरेंस का मेजरमेंट कर पाए। तो वो किस तरीके से होगा, तो चलिए हम इसे यहाँ पर दूसरा शेप देखते हैं। ये जो सी शेप है इसको मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ, किस तरीके से ये हमारा सेमी सर्कल के शेप में हम इसको ट्यूब को यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा ये एक ऐसे दूसरा ऐसे हमारे सर्कल से बन रहा है। तो हम यहाँ से उसका सेमी सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट ये है उसके लिए एक रेडियस अप्लाई कर रहे हैं जो इसके सेंटर से होता हुआ जा रहा है, और यहाँ से इसका ये जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाफ सेमी सर्कल जो है इसका इसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो ये शेप है वो बढ़े
कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, इलिप्स के फॉर्म में इसका बनाया जाता है, जो कि मेटल जो होता है उसको इलिप्स के फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट गोल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलिप्स के फॉर्म में हम यहाँ पे इसका मेटल का डिजाइन करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं, जस्ट लाइक इलिप्स के शेप जो होता है उस तरीके से बनाया जाता है। इसका जो लेंथ और यहाँ का जो लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ जो होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है, प्लस इसका मोटाई जो कि थिकनेस होता है टी। तो इसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, उसके लिए ये कैसे हमारा आर्क में डिफरेंस होगा, हम लिखते हैं ए आर्क ए, ए का कैलकुलेशन करेंगे, ए इज इक्वल टू 0.05 पी ए डिवाइड बाई टी एंड आर डिवाइड बाई टी पावर ऑफ 0.2 एक्स डिवाइड बाई टी देन एक्स डिवाइड बाई वाई। तो एक्स डिवाइड बाई टी पावर आएगा 3.0 0.3। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे आर्क में कितना डिफरेंस आया है, इस आर्क को हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं सारे कैलकुलेटर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 0.05 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर पी का मतलब अप्लाइड प्रेशर, तो हम प्रेशर इसमें अप्लाई करने वाले हैं। जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर ए ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क की जो डेप्थ है जिसमें चेंजेस आ रहा है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। आर्क ए ये टोटल लेंथ इसका जो सर्कुलर पार्ट में जितना लेंथ आ रहा है इस ट्यूब का, प्लस या डिवाइड बाय हम यहाँ पर कर रहे हैं ई, यहाँ पर इस मेटल की इलास्टिसिटी है, जिस किस मटेरियल से इसे बनाया गया उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उस चीज को यहाँ ई से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर आर्क है जो कि इस सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस का काम कर रहा है आर। और यहाँ पर टी जो है थिकनेस है, इस मटेरियल को बनाने में जो सर्कुलर एलिप्स के फॉर्म में जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वो, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सो शेप जो टी थिकनेस है, यहाँ पर आर यहाँ का रेडियस है, एक्स जो है ये लेंथ है एक्स, और यहाँ पर ये वाई है। तो जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ये एक्स होता है ये वाई होता है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये थिकनेस टी। ऐसा पावर्स है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारा फॉर्मूला पूरा होता है जो कि डेल्टा ए, जो कि आर्क में चेंजेस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बर्डन ट्यूब में जो प्रेशर अप्लाई हुआ है उस चीज को हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा बर्डन ट्यूब है, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हम देखिए। और इसका जो एप्लीकेशन है हम बहुत सारे जब हमें करते हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये बर्डन ट्यूब हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, प्लस इससे जो मेजरमेंट आता है बहुत एक्यूरेट आता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। प्लस ये बहुत सस्ते क्वांटिटी में मिल जाता है, डिजिटल की अपेक्षा ये इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है सारे एयर टाइट पैक बनाए जाते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फील्ड में यूज़ किया जाता है, जहाँ डस्ट और एयर और सन रेज और बहुत सारी चीज़ें के फैक्टर्स के कारण जो एटमोसफियर के कारण जो एरर्स होते हैं इससे बहुत कम होता है, जिसके कारण हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लस ये हाई प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बर्डन ट्यूब।